हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3। जैसा कि इससे के पहले की जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने थ्योरी वगैरह सारा डिस्कशन कर दिया है, तो आप लोग जाके देखिएगा। ये चैप्टर मैंने कम्प्लीट, देखो अभी तक मैंने क्या है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उसमें से मैंने कौन कौन से चैप्टर कम्प्लीट डिस्कशन कर दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कर दिया है, पॉलिनोमियल्स कम्प्लीट कर दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में शायद मैंने कुछ एक्सरसाइज एक दो छोड़ रखे, लेकिन उनकी थ्योरी पार्ट पूरी कम्प्लीट है। अभी लाइंस एंड एंगल पूरा कंप्लीट होने वाला है, ये एक्सरसाइज ख़त्म, आपका लाइंस एंड एंगल ख़त्म। फिर नेक्स्ट देखिए हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हीरोन्स फार्मूला भी स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप क्लास टेंथ वाला वीडियो देखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेम है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप में बदला हुआ है। NCERT अपने सामने रखिए और पढ़िए। इन फिगर 6.39, ये फिगर 6.39 है बुक में, चैप्टर में, साइड्स QP, साइड QP एंड RQ ऑफ अ ट्रायंगल PQR, दिस इज अ ट्रायंगल PQR गिवन, आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T। सो दीज आर प्रोड्यूस्ड मीन्स दे आर एक्सटेंडेड, उनको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो ये साइड कौन सा है QP, ये साइड कौन सा है QR, तो इसको पॉइंट T तक और इसको पॉइंट S तक बढ़ाया गया है। एंगल SPR, एंगल SPR इज 135, एंगल PQT, एंगल PQT 110, फाइंड द एंगल PRQ, हमको ये एंगल बताना है ये कितना होगा। लेट अस सपोज दिस इज x डिग्री, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल PRQ ये कितना होगा, ये x डिग्री मान लिया, यही पता लगाना। अभी यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये एक लाइन है, ये लाइन है TQR, ये लाइन है, तो आप मुझे ये बताओ एंगल TQP प्लस एंगल PQR कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल TQP तो ये हो गया 110 डिग्री प्लस PQR नहीं मालूम भाई, ये पूरा तो 180 डिग्री होगा ना, ये तो लाइन है, तो इतना हम पहले निकाल रहे हैं ये कितना होगा, ये पता लगा रहा हूं, तो कितना होगा 180 माइनस 110, तो एंगल PQR कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 110 कितना आ गया, 70 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, फर्स्ट थ्योरम कौन सा लगाया, लीनियर एंगल, सम ऑफ लीनियर एंगल, लीनियर पेयर वाला जो थ्योरम था वो लगा दिए हैं। अब आपकी मर्जी अगर करती है तो आप यहाँ भी लीनियर पेयर का लगा के और ये वाला एंगल निकाल लीजिए और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर लीजिए। बट मेरा ख्याल है ना कि जो आपने जस्ट अभी इससे पहले वाला थ्योरम पढ़ रखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, आदत डालिए। कौन सी, इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरम 6.8 पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि इफ साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द सम ऑफ अपोजिट वर्टेक्स एंगल, जितने भी इसका और इसका सम इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये 135 है तो इसके अपोजिट में देखो ये वर्टेक्स बचा और इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल हैं, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 135। यही तो पढ़ा था थ्योरम 6.8 में। तो यू कैन राइट एंगल PQR प्लस एंगल PRQ मस्ट बी इक्वल टू एंगल RPS। तो एंगल PQR कितना है, ये निकाल लिया आपने 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ x डिग्री, ये तो पता ही लगाना है, इज इक्वल टू RPS, RPS कितना दिया है 135 डिग्री। फ्रॉम हियर यू विल गेट x डिग्री इक्वल टू 135 माइनस 70 डिग्री, तो 135 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 और 13 माइनस 7 65 डिग्री, सो दैट्स योर आंसर 65 डिग्री, इज इट क्लियर। सो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंपल है, खुद से ट्राई करोगे तो अच्छा बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही कोई मतलब नहीं।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर रहे हैं। बुक अपने सामने रखेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इन फिगर 6.40, ये आपका फिगर है 6.40, बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, ये देखिए 6.40, ठीक है ना, ये बुक में आपके ऐसा ही फिगर बना हुआ है। इफ़ एक्स वाई जेड, अच्छा मतलब टोटल कितना दिया है 54। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? बाइसेक्टर मीन्स अ लाइन विच डिवाइडिंग द कंप्लीट एंगल इनटू हाफ हाफ। मीन्स ये 54 है ना, तो इसको कम्प्लीटली क्या करेगा, हाफ डिवाइड कर देगा। 54 का आधा इधर 50, मतलब 27 डिग्री ये होगा, 27 डिग्री ये होगा। चलो, तो ट्रायंगल में ऐसा प्रॉपर्टी दिया, इफ एंगल ओ जेड वाई, ओके फाइंड करना है हमें OZY, ओके, मतलब हमको कौन सा एंगल पता लगाना है, OZY, चलते हुए आया करो ऐसे, OZY, ये पता लगाना है। लेट अस से X डिग्री एंड YOZ, ओके ये पता लगाना है, ये कितना होगा, तो इसका नाम रख देते हैं Y डिग्री। तो हमें X और Y एक्चुअली पता लगाना है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो 1/1 चलो, पहले सॉल्व करने पे मत लग जाओ, एकदम तमीज से पहले सोचो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। आपको ये दोनों एंगल पता लगाने हैं, तो मैं अगर ज़्यादा बिना आपका टाइम नुकसान किए, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है, तो धड़ाक से अगर आपको मैं समझाऊं तुरंत से, देखो ये 62 डिग्री हुआ, ट्रायंगल में पहले सोचो, ये 62 हुआ, ये 54 है, मुझे बताओ ये 54 है, ये 62 है, तो ये टोटल कितना होगा, कैसे करोगे, 180 डिग्री ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ट्रायंगल में से 62 प्लस 54 निकाल दो, इन दोनों को जोड़ के, तो बचा हुआ एंगल नहीं पता चल जाएगा, तो 180 माइनस 62, 4 2 6 6 5 11, घटाओगे तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा कितना 17, और 17 में से 11 गया 64, तो कितना हो गया 64 डिग्री, 64 ही आएगा ना, हाँ, तो ये टोटल कितना आ गया, कितना आ गया मेरे लाल, 64 डिग्री, 64 डिग्री आ गया। तो आप मुझे ये बताओ, ये 54 है, ये 62 है, तो ये कितना हो गया 64। तो बोला था क्वेश्चन में बाइसेक्टर हैं, तो बाइसेक्टर मतलब 32 यहाँ पे होगा, 32 और 32 यहाँ पे होगा, ये तो बहुत बढ़िया, एक्स तो तुरंत ही पता चल गया 32 डिग्री, तो एक्स था कौन, ओ जेड वाई, चलो ये महोदय जी पता चल गया, ये हो गया 32 डिग्री, पहला आंसर आ गया बिना ज़्यादा कुछ किए, ओके। नाउ क्वेश्चन में दिया है कि ओ वाई यानी वाई ओ इज द बाइसेक्टर, तो अगर ये 54 है टोटल, तो 54 का आधा 27 इधर होगा, 27 डिग्री यहाँ होगा, ये भी पता चल गया। और ऐसा पता चलने से हमको फ़ायदा क्या होगा, ज़रा नज़र दौड़ाएंगे ट्रायंगल OZY में, OZY में ये भी तो एक ट्रायंगल ही है, तो इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल पकड़ो ज़रा बाबू, एक ये पकड़ो ज़रा दूसरा, और ये पकड़ो तीसरा, इन तीनों का भी सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब 27 डिग्री प्लस Y डिग्री हमको मालूम नहीं प्लस 32 हमने पता कर लिया, ये तीनों कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। अच्छा जी, तो Y डिग्री प्लस 7 2 9 3 2 5, 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 7 2 9 और 3 2 5, 59 डिग्री, तो Y यहाँ से नहीं आ जाएगा, Y कितना हो जाएगा, 180 माइनस 59 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, Y डिग्री इक्वल टू 121 आई थिंक ना, यस, तो Y डिग्री कितना आ गया, 121, ओके, तो Y डिग्री था कौन, ये हो गया 121 डिग्री Y, तो ये क्वेश्चन भी पता चल गया, तो सिंपल था, सिंपल ही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप कर नहीं सकते, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसी में बना दे रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, देखो ये क्वेश्चन नंबर
थर्ड है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो बुक सामने रखिए। इन फिगर 6.41, अच्छा 6.41 ये रहा, ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, ये क्वेश्चन में दिया है, जबरदस्ती हम नहीं कह रहे हैं, ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी 35, बी ए सी 35 डिग्री ये भी दिया है, एंगल सी डी ई 53, सी डी ई इज 53 डिग्री, फाइंड डी सी ई, तो हमें क्या पता लगाना है डी सी, अच्छा ये कितना होगा डी सी ई, तो जो नहीं मालूम रहता है ना उसको पहले एक्स मान लिया करो, कि हमको जो पता लगाना है एक्स डिग्री, उससे थोड़ा क्या है दिमाग हल्का हो जाता है, हमको पता क्या लगाना है, एंगल डी सी ई यही पता लगाना है। ओके बॉस, अरे बाप रे, ये तो बहुत चवन्नी भर का क्वेश्चन है भाई, ए बी पैरेलल टू डी दिया है क्या, ओहो हो, ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, गुरु घंटाल क्वेश्चन है ये तो, ये देखो ये हो गया पैरेलल है ना, अगर पैरेलल है तो आपको कुछ दिख गया होगा चोंच जैसा, ये हो गया 35, ये है तो ये भी महोदय कितने हो जाएंगे 35 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट, नो सॉरी अल्टरनेट एंगल 35 35, जेड देखो भाई, जेड की तरफ भाग जाओ तुरंत, जेड ये देखो, ठीक है ना, तो ये इक्वल हो गए, ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल ट्रायंगल डी सी ई 53 35 प्लस एक्स, 53 प्लस 35 प्लस एक्स डिग्री विच इज मस्ट इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी 5 3 8 5 3 8 188 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, फ्रॉम हियर एक्स डिग्री इज व्हाट 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, फ्रॉम हियर 10 माइनस 8 2 और यहाँ बचा 17 माइनस 8 गया 92 डिग्री, दैट्स इट, x डिग्री कितना आ गया 92 डिग्री, सही है ना भैया, देख लेना 8 2 10 9 8 17 18 यस, कितना हो गया 92 डिग्री आ गया आंसर, इसमें था क्या क्वेश्चन, कुछ नहीं, तो तीन क्वेश्चन हम बता दिए हैं, अब बचा क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना, चलो यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोग को।